हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ गॉसस लॉ में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। मतलब किसी गोली कोश के द्वारा किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है। तो गोली कोश से हमारा तात्पर्य यह है कि खोखला गोला, यानी कि ऐसा खोखला गोला जिसके सरफेस की कुछ ना कुछ मोटाई हो या बहुत पतला भी हो, तो उसे गोली कोश कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया है, मान लिया है कि एक चार्ज, एक गोली कोश ये है जिसकी त्रिज्या आर है, मतलब वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। और इस स्फेरिकल सेल के आउटर सरफेस पर प्लस चार्ज जो है, यानी ये क्यू अमाउंट का चार्ज है जो इसके आउटर सरफेस पर इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक प्रकार से। तो इस गोली कोश जिसके कि सरफेस पर क्यू अमाउंट का चार्ज वितरित है तथा इसके साथ ही जो आर रेडियस इसकी है, इसके बाहर अंदर या इसके ऊपर कोई बिंदु पी पर रखा हो तो उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा इस गोली कोश के द्वारा। तो इस केस में तीन केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस है कि व्हेन आर ग्रेटर देन आर, मतलब ऐसा पॉइंट जो कि इस स्फेरिकल सेल के बाहर प्रेजेंट हो। दूसरा केस बनता है कि व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब ऐसा पॉइंट जो कि इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो। और थर्ड केस क्या कहता है कि व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी कोई ऐसा बिंदु जो कि इस गोली कोश के अंदर प्रेजेंट हो। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम कंसीडर करते हैं और अपने थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो चूंकि हमें गॉसस लॉ को यूज़ करना है, इसलिए हमें एक गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो गॉसियन सरफेस किस प्रकार का होगा, इसके लिए लेट अस सपोज दैट कि हमारा जो पॉइंट है, मान लिया कि पी पॉइंट है और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, दिस इज स्मॉल आर, यानी स्मॉल इज द आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, इसको हम बाहर ही लिख दे रहे हैं। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ, यानी पॉइंट पी की सेंटर ओ से दूरी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ क्या है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो जो पॉइंट पी हमने कंसीडर किया, तो जैसा कि हम पहले के लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि पॉइंट पी थ्री डायमेंशनली कहीं भी सिचुएटेड हो सकता है, तो इसलिए इसके चारों तरफ हम स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल सेल इसके चारों तरफ से। ठीक है, तो जहाँ पर बिंदु पी है वहाँ पर हमने एक एस एरिया कंसिडर कर लिया। तो इस बिंदु पी पर जो इसका ds वेक्टर होगा, ds वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो भी आउटसाइड बाहर की तरफ ही होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल वी अप्लाई द गॉसस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉसस थ्योरम या गॉसस लॉ वी कैन राइट फाई। What is phi? Phi is the flux enclosed by the Gaussian surface. Overall surface integral of E dot ds, this is equal to Q upon epsilon naught. Phi is the flux through the Gaussian surface. हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लें कि गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो गया, आप इसको इक्वेशन नंबर वन कह दीजिए। अब एज यूजुअल जैसे कि हम कैलकुलेट करते आए हैं, क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब ये ds जो है यहाँ पे हमारा क्या है, E डॉट ds का मान कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू E ds cos 0 बिकॉज बोथ आर पैरेलल, तो ये हो जाएगा E ds। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ E ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इंप्लाइज
ई को बाहर ले लिया, ओवरऑल सरफेस इंटीग्रल एस डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस केस में हम लोगों ने लिखा है इसकी लिमिट 0 to 4 pi r². क्यों? क्योंकि हमारा जो डी एस है इस गॉसियन सरफेस पर प्रेजेंट है और ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है और इस स्फेरिकल इस स्फीयर की जो रेडियस है स्मॉल r है, तो इस प्रकार से इसका वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया 4 pi r² होगा। देयरफॉर द इंटीग्रल लिमिट्स आर रिटन एज 0 to 4 pi r² डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा दिस इज इक्वल टू ई इंटू 4 pi r². क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, और एस की जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो 4 pi r² - 0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 1/4 epsilon naught q/r². तो इस प्रकार ये मिल गया कि जब कभी भी हमारा पॉइंट स्फेरिकल सेल के बाहर प्रेजेंट है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर वो एज यूजुअल ई इजक्ल टू 1/4 epsilon naught q/r² के बराबर होगा। ये किसकी जैसा है? जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ओ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे स्फेरिकल सेल के बिंदु ओ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर प्रोड्यूस होगा ये फॉर्मूला जस्ट उसी की जैसा है। इसका मतलब जब कभी भी किसी स्फेरिकल सेल के बाहर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालते हैं तो वो जस्ट ऐसा प्रतीत होता है कि स्फेरिकल सेल का जो आउटसाइड पे चार्ज क्यू प्रेजेंट है वो उसके आउटसाइड पर ना प्रेजेंट होकर उसके सेंटर पर प्रेजेंट हो और उसके द्वारा जो बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जस्ट उसके बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या है कि व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब इस केस में क्या होगा? इस केस में आप देखिए, इस केस में हमारा जो कैपिटल आर रेडियस का स्फेरिकल सेल है इसी के सरफेस पर ही कहीं ना कहीं मान लिया कि इस जगह पे बिंदु पी प्रेजेंट है, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हैं और प्लस क्यू चार्ज एज यूजुअल इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में क्या होगा कि जहाँ पर हमने पी माना है वहाँ पर हमें एरिया मान लेंगे, माना ये डी एस है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके बाहर की ओर होगा ई। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, जस्ट लाइक स्मॉल आर चूँकि कैपिटल आर बन गया है तो चाहे तो इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर को कैपिटल आर रख सकते हैं और चाहे तो हम क्या करेंगे, जैसे एज यूजुअल था फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस करेंगे इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे। ई और डी एस दोनों के बीच का एंगल जीरो है इसलिए इट कैन बी रिटेन एज सिंपली ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डी एस का मान आप जानते हैं कि इस केस में हमारा चूँकि आर और कैपिटल आर बराबर है तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम लिखेंगे ई इंटू 4 pi r² आएगा और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू आपका एज यूजुअल आ गया 1/4 pi r² यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। चूँकि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है इसलिए वी कैन राइट हियर ई इज इक्वल टू 1/4 epsilon naught क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस केस में भी ऐसा ही होगा कि इसके सरफेस पर जो पॉइंट रखा हुआ है उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में बराबर हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा 1/4 epsilon naught क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, आगे हमें निकालना है थर्ड केस। तो थर्ड केस में हमने क्या कंसीडर करना है, आर लेस देन कैपिटल आर। ओके, आर लेस देन कैपिटल आर करना है तो इसका मतलब जो आपका ये स्फेरिकल सेल है इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर है इसके, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, आउटसाइड पर चार्जेस प्रेजेंट है, टोटल चार्जेस पर सरफेस पर जो है वह क्यू है, बट
देर इज़ नो चार्ज इन साइड द स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, नो चार्ज इन साइड द स्फेरिकल शेल। नो चार्ज इन साइड द स्फेरिकल शेल का मतलब है कि स्फेरिकल शेल के अंदर यहाँ पे कोई भी चार्जेस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, जो भी चार्जेस है इसके बाहर आउटर सरफेस पर ही हैं। ओके, जब कोई चार्ज ही नहीं है अंदर, हम अगर इसके अंदर कोई पॉइंट पी कंसीडर भी कहीं पर कर लेते हैं तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब कोई तो इसके अंदर अगर मैं कोई स्फेरिकल सेल कंसीडर भी कर लेते हैं, मान लिया इसके अंदर सेल कंसीडर करेंगे, तो इस केस में गॉसियन सरफेस क्या हो गया, यही गॉसियन सरफेस हो गया। लेकिन इनसाइड में जब कोई चार्ज ही नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, देयर फोर ई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, दिस इंप्लाइज ई मस्ट बी जीरो इनसाइड द होल सेल। होल सेल यानी जो गोली कोश है उसके अंदर सभी जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो शून्य होगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी बिंदु पी पर निकालना है आपको, तो वहाँ पे आप क्यू की जगह पे जीरो रखेंगे तो ई का मान जीरो आ जाएगा। ओके, और अगर आप चाहें तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं जैसे कि पहले कर चुके हैं। तो इस केस में चूंकि हमने गॉसियन सरफेस से माना है, तो इस पॉइंट पी पर हम एक एरिया कंसीडर करेंगे, मान लिया कि ये एरिया एस है, तो इससे इस पे लम जाते हुए इसका जो एरिया वेक्टर होगा डी एस ऊपर होगा। ओके, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अंदर से बाहर की तरफ इसका है ही, तो डी एस का डायरेक्शन भी यही हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही होगा। ओके, तो इस प्रकार से फाई इज इक्वल टू वेन एवर वी कैलकुलेट ई डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस इन दिस केस ऑल्सो कम्स आउट टू बी ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो इज इक्वल टू ई डी एस, यहाँ पर भी यही आएगा। तो जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जैसे मैं आगे पहले कैलकुलेट कर चुके, ई बाहर निकल आएगा फिर अंदर आएगा ओवरऑल इंटीग्रल डी एस। तो जब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो डी एस का मान कितना आएगा, आप जानते हैं कि दिस कम्स आउट फोर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा स्फेरिकल सेल है इसकी रेडियस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस स्मॉल आर है। ठीक, अभी आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है कि क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अंदर कोई भी सरफेस नहीं है इन साइड सेल, सेल के अंदर कोई जीरो नहीं। इस प्रकार से जब ये जीरो हो गया, आर जीरो है नहीं, ठीक है, तो ई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया जीरो। जब आप अब आपको अच्छी तरह पता है कि इफ़ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो देन आइदर ए इज इक्वल टू जीरो बी नॉट जीरो और आइदर ए इज नॉट जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा तभी ये हो सकता है। तो इस केस में सिंस दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू जीरो, क्यों, सिंस R इज नॉट जीरो, R जीरो है नहीं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जीरो होगा। ठीक है, इफ R भी जीरो होगा तो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि विन स्मॉल R लेस देन R मतलब कि किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो जीरो आता है। तो अभी तक तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, अब हम इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हमें निकालना है चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो कैसे डिफाइन होती है, कि इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी देन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए कहलाता है ना, क्यू अपॉन ए कहलाता है। ठीक, तो ये हो जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो हमारा दूसरा केस था जहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे, क्या केस था हमारा, सेकंड केस था ना कि इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर हम चाहे इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्यू इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सरफेस है वो कैपिटल आर रेडियस का होगा,
तो 4πr² इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4πR² क्यों, क्योंकि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है ना, इसलिए तो क्यू अपॉन 4πR² सिग्मा का मान हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि 4π और ये R² तो सिग्मा के टर्म्स में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4πR² हो जाएगा सिग्मा, यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, और ये इससे क्लियर है कि ये क्या है, ये जो होगा मैक्सिमम होगा एट दी सरफेस, मैक्सिमम एट दी सरफेस ऑफ दी सेल, क्यों, क्योंकि देखिए ये आर के इन्वर्स, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान घटेगा, तो जैसे हम सेल के बाहर जाएंगे तो ई का मान और कम हो जाएगा, सेल के अंदर क्या है जीरो है, तो इसका मतलब क्या है सेल का रूप के सरफेस पर ही कैपिटल ई का मान जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। इन टर्म्स ऑफ ग्राफ के केस में हम देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो आप ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर हमें डिस्टेंस लगानी है स्मॉल आर, वाई एक्सिस पर हमें क्या प्लॉट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना है, ठीक है। तो व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब हमारा सेंटर पर है, मान लेते हैं जो सेल था उसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, कैपिटल आर, ठीक। तो आप जान रहे हैं कि जब हमारा थर्ड केस में व्हेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर था, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था जीरो था, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो रहेगा, जब भी स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है जीरो। जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है, मतलब जब कैपिटल आर होगा तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम होगा, अब वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। तो मान लीजिए कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, तो इससे इधर आए, इधर से इधर जाएँ, जहाँ पर भी कट करेगा ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यानी जस्ट यहाँ पर जस्ट जंप करके इसके बराबर हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद जो फर्स्ट केस था हमारा स्मॉल आर लेस देन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो उस केस में आप देख रहे थे कि ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के आ रहा था, यानी आर का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उसके स्क्वायर के टर्म्स में घटता जाएगा, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर आता है वो ऐसा आता है, जीरो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे ऐसे घटता हुआ टर्म्स में रहेगा। तो ये थर्ड केस हो गया, और ये किस कितने डीपली घटेगा, किस तरह से घटेगा, ये डिपेंड करेगा सीधे सीधे कि आर का मान किस तेज़ी से बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से आर का मान बढ़ेगा उतनी तेज़ी से ई का मान घटेगा। तो ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन डिपेंड कर रहा है ई प्रोपोर्शनल आर के, 1/r² के, यहाँ पे कांस्टेंट है दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, यहाँ से जंप करके सीधा इसके बराबर हो जाएगा, इसके बाहर क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये कब होगा व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये कब होगा जब व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस प्रकार से किसी स्फेरिकल सेल के द्वारा कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर, उसके सरफेस पर और उसके अंदर, हम लोगों ने इस चीज़ की स्टडी कर ली है। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच।